देख लोगे अमेरिका के अंदर ये ट्रक चला रहे हैं यहाँ पे। सत श्री अकाल। तो ये गुरुद्वारे में भी जाती हैं, वो वहाँ पे पंजाबी सीखने की कोशिश कर रही है। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान नाम है। इमरान, और कहाँ से हो भाई? मैं राजस्थान इंडिया से हूँ। राजस्थान इंडिया से हैं, और भाई आप ट्रक चलाते हैं ना, बताया आपने। जी हाँ। कौन से वाला ट्रक चला रहे हो, छोटा या बड़े वाला? बड़ा वाला ट्रक चलाता हूँ। सेमी ट्रक चला। सेमी ट्रक। सेवन एट सिक्स दस ये अपना ट्रक का नंबर है। अच्छा, ये आपका ट्रक है खुद का? ये मेरा खुद का ट्रक है, मेरी खुद की कंपनी है। ये जो नाम लिखा हुआ है, अच्छा, ये मेरी खुद की कंपनी है। अच्छा, ट्रक का नंबर है। तो आपने लकी नंबर वहाँ पे लिख दिया है, वो अमिताभ बच्चन वाला पहला ट्रक है, पहले मैं लकी नंबर लगा दिया। तो कितना टाइम हो गया आपको ट्रक लिए हुए? मेरे को ये एक साल हो गया पूरा। पिछले साल लिया था मैंने, 2 साल पहले लाइसेंस लिया था मैंने। ओके, तो आप 2 साल से ट्रक चला रहे हो? 2 साल से मैं ट्रक चला रहा हूँ। चलो यार, बहुत अच्छा है। तो देखते हैं अंदर, काफी कूल लग रहा है। अभी क्या लेके जा रहे हो, इसके अंदर क्या है? मेरे पास में ग्रीन बीन्स है, जिसको अपन इंडिया में बोलते हैं सांगरी। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा भरा है, लगभग 35 टन या 40 टन होगा। अच्छा, पहले अपना ट्रक लेने से पहले आप ट्रक ही चला रहे थे? एक साल मैंने ड्राइविंग की है यहाँ पर। अच्छा, फिर आपको दोस्तों का चला है, फिर आपको लगा कि ट्रक में इतना बेनिफिट है, अपना ट्रक ही ले लो। हाँ, तो मैंने बहुत अच्छा ड्राइविंग करने के बाद मुझे लगा कि अपना लेने में थोड़ा बेनिफिट ज्यादा ना। तो चलो यार, भाई का ट्रक देखते हैं, दिखाओ भाई अंदर से। तक आ रहा है, तो सोच लो 4 फुट तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ओह, तो ये मैं पैसेंजर साइड से अभी चढ़ाऊं? ये ड्राइवर साइड है इसकी। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पे आराम से बैठ के आप ड्राइव करते हो? ये मेरा एरिया है, यहाँ पर जो को ड्राइवर होता है वो यहाँ पर बैठता है। अच्छा, तो आपकी वाइफ के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है? हाँ, वो भी CDL है उसके पास में। अच्छा, वो भी ड्राइव करती हैं? कॉमर्शियल है उसके पास में, वो भी ड्राइव करती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, आप हस्बैंड वाइफ दोनों चला रहे हो। दोनों बिजनेस में भी उन्होंने मास्टर कर रखी है, वो लोग भी कई बार अपनी जॉब को छोड़ के इसमें आ जाते हैं। बिल्कुल कम्फर्टेबिलिटी, आराम से चला सकते हो, पूरा अपना बॉस हो आप, आपको कोई ऊपर है नहीं, खुद के बॉस हो, जब चलाना है चलाओ, नहीं चलाना मत चलाओ। इंडिया में क्या होता है, ड्राइवर को रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखते। यहाँ पे भाई बैठे हुए होते हैं और भाई कह रहे हैं कि इनका चलता फिरता घर है यहाँ पे ट्रकों में होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अपनी बसंती के अंदर है ना, और भाई कह रहे हैं कि भाई ने अभी तक नाम नहीं रखा अपने ट्रक का, खरीद लिया है, तो आप लोग कमेंट करके बता दो, है ना भाई? आपको कोई पसंद आए तो बताइए। तो भाई का ट्रक आप लोग देखो और फिर नाम बताओ कि क्या नाम है। तो ये मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम होगा कि मैं देखूंगा कि अंदर सामान है ना वो कैसे जा रहा होता है, और आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ। आज से पहले मैंने बहुत ट्रक देखे हैं, बट ये नहीं देखा किस तरीके से लोड होता है और कैसे जा रहा होता है। बोल के दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या। अच्छा, जो हम लेके अभी चले हुए हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ बाहर से देखा होगा ना। मैंने लाइफ में कभी पहले अंदर से नहीं देखा है। अच्छा, ये इसका लॉक है जो ऐसे खुलता है? अच्छा, अरे यार कितना लंबा डोर है। अच्छा, ये ऐसे लॉक करना पड़ता है, कहीं हवा से वापस ना खुल के लग जाए, है ना? मैंने एक वीडियो देखी थी, ऐसे खुल के एक बंदे को लगा। लग सकता है, तो आपको जब भी, जैसे मैं इसको सीधा खोल रहा हूँ, ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो अभी हम लोग आ गए हैं ट्रक के अंदर, और ये मेरा पहली बार है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे ट्रक पे खड़ा हुआ हूँ। और ये जा रहे हैं ग्रीन बीन्स, जो बता रहे हैं कि आप जैसे राजस्थान से हो, राजस्थान में सांगरी बोलते हैं, सांगरी बोलते हैं, जो गीली सांगरी होती है, तो सूखी होती है। अच्छा, ये पतली वाली होती है? बिल्कुल, ये गीली वाली है। गीली वाली सांगरी है, सब जगह डिफरेंट डिफरेंट बोला जाता है इसको, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ बोला जाता है। तो ये भाई लेके जा रहे हैं, और इसका मतलब टेम्परेचर आप मेंटेन करके रखिए, आपको पता चल रहा होगा कि ठंडा है। काफी सारे लोगों की क्वेश्चन होते हैं कि अमेरिका में एक से दूसरी जगह जो सामान जाता है वो कैसे जाता है, तो यहाँ पे भाई बता रहे हैं कि इसको जब लोड किया गया ना, तो भाई को एक टेम्परेचर यहाँ पे सेट करना था। इसके अंदर फ्रीजर लगा हुआ है आगे की तरफ में, और ये गर्म भी कर सकते हैं उसे? गर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा है कि उसे गर्म भी कर सकते हैं और ठंडा भी कर सकते हैं। अभी जो टेम्परेचर है ना अंदर, मतलब आप लगा लो कि 20 सेल्सियस या 15 से 20 सेल्सियस के आसपास है ना, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गर्मी है बाहर की तरफ, बाहर गर्मी है और अंदर पूरा एकदम अच्छा माहौल। अब एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे रात को अब आपको कहीं सोना है, तो आप क्या AC बंद कर दोगे या चलता रहेगा? चलता रहेगा।
अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अभी, जैसे भाई बता रहे हैं यहाँ पे सेफ्टी यहाँ पे सबसे पहले मेन होती है, तो भाई ने ये यहाँ पे ये लगाए हुए सेफ्टी के लिए देखो, और ये यहाँ पे तो ये बिल्कुल पीछे की तरफ हिलती नहीं है, क्योंकि जो ट्रक की स्पीड मान लो 110-120 की है तो भी सब चीजें प्रॉपर एक जगह पे रहती हैं। ये जो फ्लोर भी बनाया गया है ना, ये जो आप फ्लोर देख रहे हो ये यहाँ पे ये डिप करके बना हुआ है पूरा, कि जब चीजें रखी जाए ना तो वो स्लिप ना करें कि भैया हाँ मूव ना हो, तो सेफ्टी के लिए मतलब बहुत दिमाग से सब चीजें इसमें बनाई हुई है। और आपने बताया कितना फीट है ये? ये सिर्फ ये जिसके अंदर सामान ये 53 फीट। मेरा वाला जो है वो 20 फीट है। ओ तेरी की। बीच का जो गैप है वो आराम से 5-7 फीट है, टोटल मिलाओगे आपको 75-80 फीट का हो जाएगा। अब भाई एक चीज मेरे को बताओ यार, कितने टायर हैं? ये है 18 चक्के, जो हम इंडिया बोलते हैं 18 चक्के, 8 और 8 टायर वहाँ पे आगे लगे हुए हैं, फिर 16 हो गए, 2 टायर आगे और 2 आगे हो गए हैं, 18 टायर हो गए हैं। हेलो लूना, हाउ आर यू? हेलो। सो अभी जैसे भाई ने आपको पूरा ट्रक दिखा दिया है, तो यहाँ पर है इनकी मोहतर माँ। सो व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम ओलिविया। शी इज नॉट हिंदी। तो आप हिंदी सिखा रहे हो? अपने आप ही सीख रही है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा सीख। ट्राई टू टॉक इन लिटिल बिट हिंदी। तो इनको हिंदी आती है और ये अमेरिका में पैदा हुई है, कैलिफोर्निया में। इनके जो मम्मी डैडी हैं वो ओरिजिनली जो है वो मेक्सिको से हैं। आपने कभी हिंदी मूवी देखी है? And they make me cry too much. Oh really? Oh yeah. आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? The last one you watched with the baby. I don't know. He put it on for me. See, what's that? Oh no, the wrestlers. The wrestlers. The daughters. Oh, Dangal. Dangal. Oh yeah. Amir Khan movie. I think it's a very inspirational movie for all girls. Yeah. So यहाँ पे ये हिंदी मूवी भी देखती हैं और हिंदी इनको काफी आती भी है। So you understand when you are watching Hindi movies? Sometimes certain words, not all of it. Yeah. Not all of it. But मैं इनको दिखाता हूँ हिंदी मूवी सिखाने के लिए कि देखो वहाँ का कल्चर कैसा है। फिर ये इमोशनल हो जाती है। अच्छा, you get it? बहुत रोती है। So you cry after seeing? Oh, too much. बहुत रोती है। He laughs too much. आपको पता है हिंदी मूवी में इमोशनल भर भर के बना होता है। Right. तो मैंने एक बार इनको My favorite movie would be The Three Idiots. Yeah. Three Idiots. Hilarious. Oh yeah, yeah, it's too funny. And you know how to cook any Indian food? Oh yeah. What do you cook? Mainly like I've made potato chicken curry before, but I mainly make the mixed vegetables and potato curry. Nice. I make samosas, but basically it's like banana, same as Mexican. She makes samosa. I don't know how to make samosa. It's so she hard. The chicken samosa. Chicken samosa. Chicken. Wow. Means she know how to cook mixed Indian food. Mixed vegetables. बटर चिकन, ये लो, इनको तो सब खाना वाना भी बनाना आता है। आर यू श्योर यू बोर्न हियर नॉट इन इंडिया? यू नो हिंदी, यू नो हाउ टू मेक इंडियन फूड, यू मैरिड टू इंडियन मैन। आई वांट टू टेल यू वन थिंग, इन्होंने पंजाबी सीखने की कोशिश करी है गुरुद्वारे में जाके। रियली? आई सेड यू वेंट टू टेंपल गुरुद्वारा टू लर्न पंजाबी। रियली? सत श्री अकाल। तो ये गुरुद्वारे में भी जाती हैं, वो वहाँ पे पंजाबी सीखने की कोशिश, यहीं पर ही सब सोना वोना है। आराम से सोते हैं, इसके ऊपर एक बंदा चलाता है, एक बंदा सोता है। अच्छा, जैसे रोकना है कि रात को रुकना है। अच्छा, लगे हुए एक ऊपर सो जाता है आराम से, एक पीछे का बेड है। अच्छा, ऊपर का बेड है। अच्छा, दो बेड हो गए हैं, बेड लगे हैं। आप इसको ऊपर भी कर सकते हो इधर। अच्छा, ये ऐसे ऊपर चला जाता है ना? चलो, ये तो बहुत अच्छा है। अगर एक ड्राइवर है तो उसको ऊपर करके चलाओ, और दो ड्राइवर है तो उसको नीचे करके, क्योंकि दो ड्राइवर में क्या होता है कि कभी कभी जब हम कंपनी में जाते हैं तो हमें वेट करना पड़ता है 5 घंटे या 8 घंटे 10 घंटे, तो दोनों ड्राइवर आराम से रेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सो सकते हैं, एक इधर एक इधर। मतलब ये बेड इतना है, आराम से दो तीन बंदे, दो बंदे यहाँ सो जाएंगे, दो बंदे यहाँ, चार बंदे आराम से सो सकते हैं ना। तो ये है पूरा। और आपके और क्या क्या भाई कोई डिफरेंट चीज? तो ये फ्रिज लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे फ्रिज लगा हुआ है। ये मेरी गुड़िया की पिक्चर है। अच्छा, आपकी बेटी है, कितने साल की है? ये 4 साल की है। क्या नाम है भाई आपकी बेटी का? नाम है लूना। लूना, एक उधर लगी हुई है। अच्छा, ये सेम ही है? सेम ही है। अच्छा, बिल्कुल अलग लग रही है फोटो। इधर भी हमने लगा रखी है, इनके समय ट्रक चलाना हो देखना तो। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा है। लूना, लूना नाम है। मतलब ये क्या स्पेनिश से मिलता जुलता नाम है क्या? उसका नाम तो सेमांता है ना, लूना बोलते हैं चांद को अपन। अच्छा, चांद का प्राइवेसी शब्द है। अच्छा, हाँ,
चलो बहुत बढ़िया है। ये फ्रिज है यहाँ पे भाई का, फ्रिज है, और फ्रिज में आपको पता ही है कुछ कुछ थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें होती है। अरे यार फ्रिज तो आपने पूरा भरा हुआ है यहाँ पर, तो ये भाई का फ्रिज है, सब खाना पीना लेके चल रहे हैं। जूस वूस है, मिल्क है। अच्छा, और ये रोटियां जो आपको अगर पता ही होगी कि रोटियां जो अपनी वाली रोटी है। हाँ अच्छा, ये यहाँ पे ना अमेरिका में इस तरीके की रोटी बनी बनाई मिल जाती है, आप इसे लेके चलो। मेथी की बनी हुई रोटी है। अच्छा मेथी की बनी हुई, हाँ ये मेथी लिखा हुआ है ना, मेथी की बनी हुई रोटियां हैं। तो ये कितने रुपए की मिलती है ये 15? ये रोटी मेरे को पड़ी थी $2 की पड़ी थी। $2 में 15 रोटियां है, तो बहुत अच्छा प्राइस। दो वीक का टाइम, मतलब आपने आज खरीदी है तो दो सप्ताह तक खराब नहीं होती। डेडली की होती है, एक्सपायरी डेट। अच्छा अच्छा, उसमें वो दो वीक के लिए आती है। अच्छा, लेने जाओगे तो आपको एटलीस्ट 1 से 2 वीक मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, 1 से 2 वीक में खराब नहीं होती। क्या रखा हुआ है अपने ऊपर? ये इसमें क्या होता है कि जब हम ट्रक चलाते हैं तो क्या होता है कि जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे को ये सामान मेरे को इधर चाहिए, तो इसमें क्या है कि लेना हो केला, लेना हो सेम, लेनी हो ये अपन आपको पता ही है। अच्छा, ये मट्टी वट्टी सब लेके चल रहे हो आप? हाँ, देसी लोग हैं। तो ये क्या है भाई? तो ये गूंद के लड्डू। गूंद के भी नहीं है, फिर एक इसको क्या बोलते हैं मुझे तो खुद याद नहीं आ रहा है। इसको सुबह पहले दूध के साथ में खाया जाता ताकत के लिए, कि सर्दियों में अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी चीजें मिक्स है। हाँ, तो मैं 2 डब्बे लेके चला करता हूँ सर्दियों में। अच्छा, एक तो मैंने खत्म कर दिया है। अच्छा, और दूसरा वाला जाते वक्त पूरा आप। तो ये आप खुद बनाते हो, खरीदते हो? नहीं, ये इंडियन स्टोर से मिल जाता है। अच्छा अच्छा, रेस्टोरेंट जो होता है मिठाई की दुकान, वहाँ से मिल जाता है। अच्छा, आप खाना कहाँ बनाते हो? अच्छा, खाने के लिए क्या होता है कि जैसे हमारे लिए ये दिया गया है, तो ये इस पे अपना खाना पीना ये बना लेते हैं। तो आप मतलब जब ट्रैवल करते हो तो आपको टाइम मिलता है अपना खाना बनाने का? सुबह शाम बनाते हैं हम। अच्छा, मंडे मंडे बनाते हैं, जैसे इसके अंदर खाना बनाओ अभी हमने बना लिया रख लिया। अच्छा, तो 2 दिन तो दिक्कत नहीं देगा। फिर ये 2 दिन से खत्म, बीच में कोई स्टोर आया वहाँ से चिकन ले लिया फ्रेश, फिर बना लिया इसमें। अच्छा, 2 दिन का खाना बिल्कुल फ्रिज के अंदर, फ्रिज में खराब होना नहीं है 2 दिन, सर्दियों का मौसम वैसे ही। तो ये यहाँ पे देख लो दोस्तों, भाई के पास में स्टोव है, अपना खाना पीना यहाँ पे सब चीजें बना लेते हैं, और भाई बता रहे हैं कि अपना बनाने के बाद फ्रिज में रख लेते हैं। चाय के लिए सुबह पहले देसी लोग हैं। चाय भी पीते हो आप बना के? सुबह पहले चाय तो चाहिए ही चाहिए, बिना चाय के तो काम ही नहीं होता ना। जैसे मेरी फैमिली में भी सब चाय पीते हैं, मैं थोड़ा अजीब हूँ, मैं कॉफी पी लेता हूँ, चाय नहीं पीता। चाय के बिना काम ही नहीं है भाई। भाई देखो यार, चाय पी रहे हैं आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये लाइफ है यार, मतलब सही बता रहा हूँ, मतलब बंदे सोच के एक बार हैरान हो जाते हैं कि ऐसे ट्रक चला रहा है जो बंदा, वो सब लेके चल रहा है, और कितना साफ सुथरा है यहाँ पे पूरा। भाई ने कारपेट बिछाया हुआ है और हर चीज मतलब एकदम साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, कहीं पे कोई गंद नहीं दिख रहा भाई। हम ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो जिसको हम कपड़े टांगने के लिए यूज करते हैं, सारे कपड़े जो होते हैं इसके अंदर टांग सकते हो। अच्छा, ये जो एरिया देख रहे हो भैया, ये तो पूरा वैसे है जैसे हमारे घर के अंदर होता है, आपने देखा होगा, अपने रूम में होता ही कपड़ों के लिए, तो इसमें सारे कपड़े हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, और ये यहाँ पे शीशा भी लगा हुआ है। शीशा भी लगा हुआ है कि आपको रेडी होना हो तो आप शीशा देखो, रेडी मतलब आप ये यहाँ से कपड़े पहने, शीशा देखा और सवारे सवारे करो जो करना है, और बाकी के थोड़े बहुत सामान सुमान पड़े हैं ऐसे। अच्छा, और आप फिर मतलब नहाने का कैसा होता है आपका? नहाने का जो अभी हम जहाँ पर रुके हुए हैं, अच्छा शावर मिलता है अभी आपको मैं बता देता हूँ दोस्त, हम लोग ये यहाँ पे रुके हुए हैं ट्रक स्टॉप पे, और ट्रक स्टॉप पे भाई बता रहे हैं यहाँ पे नहाने का होता है, तो कितना चार्जेस लेते हैं नहाने वाले? जब हम फ्यूल डलवाते हैं ना, डीजल डलवाते हैं, तो हमें ये पॉइंट देते हैं। अच्छा, तो आपके अगर 1400 पॉइंट बन गए तो आप एक बार शावर फ्री है आपका। अच्छा, और 1400 पॉइंट आप आराम से 2 बार फ्यूल डालोगे तो आपके 1400 बन जाएंगे, और $15 मतलब अदरवाइज $15 में आप शावर ले सकते हो। $15 में आप चाहो तो कैश देके ले सकते हो, वरना आप फ्यूल डलवाओ और फ्री में भी आप ले सकते हो शावर। अच्छा, मतलब देख लो भाई बता रहे जो शावर है ना, इनको फ्री में ही मिल जाता है, क्योंकि ये पेट्रोल भरवाते हैं तो इनके पॉइंट्स मिल जाते हैं उससे शावर, अदरवाइज $15 में आप शावर ले सकते हो। सब लाइटें लगी हुई है, और एयर कंडीशनर भी आपके इसमें? हाँ, एयर कंडीशनर भी है, वहाँ से ऑन करो। अच्छा, हाँ, आप नीचे वाला ये इधर रहा, इसको आप इससे यहाँ से भी मॉनिटर कर सकते हो, चला सकते हो। अच्छा, एक ऊपर के लिए, वो ऊपर उधर लगा हुआ है। अच्छा, मतलब ऊपर वाले बंदे को भी एसी है और नीचे वाले बंदे को भी एसी है, पूरा वाले को भी है और ऊपर वाले को उधर लगा हुआ है। अच्छा, और अभी जैसे सर्दियों में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो हीटर को अगर चाहो तो आप वहाँ से ऑन कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से ऑन कर दे, मेरे अंदर एक स्विच लगा हुआ है। अच्छा, तो अगर मैं इसको जैसे बंद है ट्रक, अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो यहाँ से इसके अंदर हीटर लगा हुआ है मेरा। अच्छा, ये यहाँ पे ये जो डीजल हीटर होगा ना, हाँ, तो इसके अंदर से हीट देगा आपको, गर्म हवा देगा। अच्छा, आपको ट्रक को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, आप आराम से बिना इसको स्टार्ट करे भी गर्म रख सकते हो अपने ट्रक को। भाई बता रहे हैं कि अगर गर्मी है तो भाई एसी चला लेते हैं, और सर्दी है तो भाई हीटर चला लेते हैं। हाँ। और भूख लगती है भाई को तो ये यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है,
रखा जादू मंत्र जो कि निकाल के यहाँ पे अपना कुक करके और फ्रिज में भाई अपना सामान रख ले। गाइस इस वीडियो में इतना था, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर हम लोग जल्द मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड में बोलता हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।